दोस्तों इंडिया पर जनवरी मंथ पर मोटोरोला का G600 G53 इस फोन लॉन्च होने वाला है। ऑलरेडी ये फोन चाइनीज मार्केट पर लॉन्च हो गया है। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर इस फोन के बारे में बोलूंगा, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको मैं शेयर करूंगा और इस फोन का प्राइस रेंज क्या होने वाला है सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। वीडियो को लाइक देकर स्टार्ट कीजिए, अंत तक देखिए। इस टाइप का वीडियो मोबाइल अनबॉक्सिंग रिव्यू पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मोटोरोला का G52 जो सक्सेस फोन था उसका सक्सेसरी G53 होने वाला है और इस फोन के साथ आपको जो डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है ना 6.6 इंच का आपको OLED पैनल देखने के लिए मिल जाएगा, आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, बट चाइनीज वेरिएंट में आपको IPS पैनल देखने के लिए मिला था और 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मोटोरोला दिया था, बट इधर इंडिया पर OLED पैनल 90 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेगा। इस फोन का जो परफॉर्मेंस का सेगमेंट होने वाला है इंडिया के लिए आपको स्नैपड्रैगन 4th Gen 1 देखने के लिए मिलेगा। 6 nm बेस्ड प्रोसेसर है, पावरफुल नहीं है, डिसेंट टाइप का प्रोसेसर है बट स्टेबल प्रोसेसर है, बैटरी एफिशिएंट वाला प्रोसेसर है, 6 nm बेस्ड है, ऑब्वियसली 5G प्रोसेसर है और इस फोन का जो अंतुतु स्कोर होने वाला है मतलब प्रोसेसर का जो अंतुतु स्कोर है वो है 330,000 के लगभग आपको अंतुतु स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब एक स्टेबल प्रोसेसर का परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, गेमिंग वगैरह भी आप कर पाओगे। इस फोन का जो कैमरा सेगमेंट होने वाला है, कैमरा सेगमेंट में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, 50 megapixel का मेन कैमरा होने वाला है विदाउट OIS और आपको 2 megapixel का डेप्थ, 2 megapixel का मैक्रो कैमरा, अल्ट्रा वाइड 8 megapixel का देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि 5G आपको देखने के लिए मिल रहा है और आपको फ्रंट पर सेल्फी कैमरा 5 होल में 8 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलेगा। फुल HD आप बैक कैमरा फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम कर पाओगे, बट चाइनीज वेरिएंट में डुअल कैमरा सेटअप था बैक सेक्शन पर, इंडिया पर ट्रिपल कैमरा सेटअप होने वाला है। फोन का जो बैटरी का सेगमेंट है आपको 5000 mAh का बैटरी है, इनबॉक्स 20W का चार्जर है, आपको टाइप सी कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाएगा, 3.5 mm ऑडियो जैक है, राइट साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर है, फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल सकता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट होने वाला है और जो सॉफ्टवेयर का सेगमेंट है, सॉफ्टवेयर का सेगमेंट ही सबसे हाईलाइटिंग वाला फीचर है मोटोरोला के लिए क्योंकि रेडमी देखिए इधर MIUI का वर्षन प्रोवाइड करता है, उसमें बग वगैरह आपको देखने के लिए मिलता है, बट इधर मोटोरोला का नियर स्टॉक एंड्रॉइड का इंटरफेस है, आपको इधर एंड्रॉइड 13 इनबॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, एंड्रॉइड 14 का भी अपडेट आपको गारंटी देखने के लिए मिलेगा, मंथ टू मंथ आपको सिक्योरिटी अपडेट भी देखने के लिए मिल जाएगा और इस फोन का जो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन है वो भी ठीक ठाक है, आपको कर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन फ्रंट पर देखने के लिए मिलेगा और बैक सेक्शन पर आपको पॉलीकार्बोनेट साइड का जो फ्रेम है, पॉलीकार्बोनेट अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक मोटोरोला यूज करता है आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब एक ठीक ठाक फोन है। रेडमी नोट 12 5G जो फोन आने वाला है उसका साथ इसका एक कंपटीशन होगा, बहुत बढ़िया कंपटीशन होने वाला है और इस फोन का एक ही वेरिएंट नहीं दो वेरिएंट शायद इंडिया पर लॉन्च होगा, 4GB रैम के साथ 128GB इंटरनल मेमोरी, 6GB रैम के साथ 128GB इंटरनल मेमोरी इंडिया पर लॉन्च होने वाला है और 3 कलर का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, ब्लैक, व्हाइट एंड गोल्ड। दोस्तों इसका जो बेस वेरिएंट होने वाला है ना, बेस वेरिएंट का प्राइस आपको शायद इधर इंडिया पर देखने के लिए मिल जाएगा 13,999 रुपीज और ऑफर वगैरह लगाने के बाद इसका प्राइस शायद 12,999 भी हो सकता है, मतलब 13,000 to 14,000 आपको देखने के लिए मिल जाएगा और Redmi Note 12 5G का इस टाइप का भी प्राइस होने वाला है। दोनों फोन में बहुत सारा कंपटीशन होने वाला है, तो दोस्तों आपका चॉइस क्या है आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए और बोलिए आपको क्या खरीदना चाहिए, आपका ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन मैं जानना चाहता हूं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए, बहुत सारा वीडियो आने वाला है, सब्सक्राइब करके रखिए और वेट कीजिए।